गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आज मेरा ब्रदर इंडिया से आ रहा है, ब्रदर इल्ला आ रहा है, और मैं आज बस से जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बस से जा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो कुछ बनाते हैं, और इवेंचुअली मैं वहाँ एयरपोर्ट आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम 1 आवर है द टाइम। मेरे पास टाइम था 1 घंटे का, और मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपको भी शेयरिंग करते हैं कि बहरीन का वीडियो एयरपोर्ट है। और मैं अंदर आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ी से तो बहुत ज़्यादा मैं फेड अप हो चुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत लंबा वेट करना पड़ा। लेकिन ये मुश्किल नहीं है कि मेरा ब्रदर आ गया, तो मैं तो बहुत ही एक्साइट थी। मैं भी वो बाहर आने वाला है, आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, वो आ गए हैं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि वो मेरी फैमिली से अगर कोई आता है तो वाकई में ये लगता है, इतना अच्छा फील होता है कि हाँ कि हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिलो तो अजीब सा फीलिंग होता है। हम बता नहीं सकते कि हमको कितनी खुशी हुई है। इवेंचुअली ये पास आ गए हैं, और हम लोगों ने सोचा कि फ्यू मिनट्स आफ्टर आई टॉकिंग अबाउट फैमिली, दैट्स वाई हम लोग थोड़ी देर बात किए। लेकिन जो इनके ड्राइवर थे मेरे भाई साहब के, वो बार बार कॉल कर रहे थे, बाहर वेट कर रहे थे, और उनको भी देर हो रही थी। वो भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, और वो चले गए। फिर मैं अपने बस का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा कि इतनी देर में मैं थोड़े से वीडियो और टेक कर लेती हूँ, ताकि कुछ और अच्छा लगे मुझे और मेरा वीडियो। और इतने में मेरा बस भी आने वाला था। मैं देख रही थी कि मेरा बस आ रहा है, फिर उसके बाद मेरे बस आ गए। मैं बस में राइड कर गई, और मैंने सोचा कि ये रास्ते में जो डेकोरेशन है इसको भी टेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने इसको भी डेकोरेशन को भी टेक कर लिया। और क्योंकि यहाँ नेशनल डे आने वाला था, और इस वजह से मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।